हेलो दोस्तों, तो एक प्यारी की स्माइल के साथ एक शुरू करते हैं एक नई अनबॉक्सिंग। तो आज हमारे पास आ चुका है स्प्रिंग बोर्ड की तरफ से आने वाला माउसपैड, जो कि सबसे बड़ा माउसपैड अवेलेबल है अमेज़न पे अभी तक का। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का है, एकदम एनवीडिया वाली लुकिंग है, ग्रीन और ब्लैक। तो इसकी दीर्घ एक्सटेंडेड इंटू 900x400x5mm, और ये 5mm थिकनेस वाला पहला माउस पैड है अभी तक का। प्रो गेमिंग सर्विस ले रखी है और स्टेटेड बोर्ड है, और इसकी स्टेचेड है और गेमिंग ईयर फोर्थ जनरेशन। और यहाँ क्या दे रखा है, 5mm की थिकनेस है यहाँ पे दिखा रखा है, और वेव शेप्ड एंटी स्लिप रबर शेप, मतलब जो फिसलता नहीं है आपकी टेबल पर रखा हुआ है। तो इनसाइड द बॉक्स इसमें डालो ब्लैक गेमिंग माउस पैड, और क्या हो सकता है। और ये कुछ हाईलाइट नहीं रखी है, प्रो में गेमिंग सरफेस, वाटर प्रूफ है ये, बैटल प्रूफ, सुप्रीम कंफर्ट, कंपेटिबिलिटी विद माउस। बस यही था बॉक्स में, अब खोलते हैं अपने बॉक्स को। तो ये हमारा माउस पैड, ये तो पूरा खुल जाएगी बाद में, देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। अगर आपकी टेबल क्लब काफ़ी बड़ी है तो इसको आप ज़रूर ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। इससे एक छोटा वेरिएंट भी आता है जो कि आपको इससे हल्का सा छोटा मिलेगा, और इसमें दो टाइप के वो आते हैं माउस पैड, एक आता है स्पीड टाइप और एक कंट्रोल टाइप। तो मैंने जो मंगाया है वो मंगाया है कंट्रोल टाइप। कंट्रोल टाइप हल्का सा खुरदुरा होता है, आप देख सकते हैं इस पर पैटर्न बन रहे हैं जो, और स्मूथ टाइप पर कोई पैटर्न नहीं होते, वो एकदम स्मूथ होता है और काफ़ी गुड लुकिंग है ये माउस पैड। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाता हूँ, 5mm थिक है ये, और इसकी स्टिचेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मजबूत हैं, मतलब बहुत टिका हुआ है ये माउस, और वाटर प्रूफ भी है। और मैं आपको इस पर वाटर डाल के दिखाता हूँ, देखिएगा जब मैं इस पर वाटर डाल रहा हूँ, मैंने वाटर डाल दिया, ये पूरा इस पे से नीचे चला जाएगा, बिल्कुल इसने अब्जॉर्ब नहीं किया है वाटर, पूरा नीचे डाल दिया। और पीछे से कुछ इस तरह, पीछे से तो काफ़ी मतलब काफ़ी खुरदुरा है, मतलब बिल्कुल भी आपके फिसलने नहीं देगा आपकी टेबल पे से, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देगा आपको आपके टेबल पे। देखिएगा आप जैसे माउस पे यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और स्मूथ टाइप आप कभी जब भी कंसीडर करना है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा FPS गेमिंग करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ एडिटिंग और जो भी आपका काम है जैसे कोडिंग वगैरह का, उसमें जो भी लगभग छोटा मोटा काम होता है माउस का, उसके लिए कंट्रोल टाइप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि माइनर माइनर एडिटिंग करनी होती है उसमें एक एक क्लिक का बहुत ज़रूरी महत्व होता है, इसलिए आप कंट्रोल टाइप को कंसीडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस हो रही है इस माउस से, वैसे तो ये भी काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कंट्रोल टाइप अपने हिसाब से मंगाया क्योंकि मुझे एडिटिंग ज़्यादा करनी होती है, गेमिंग तो बहुत ही कम करता हूँ। अगर आप स्टोरी गेम खेलते हैं तो आपको कंट्रोल टाइप माउस पैड से कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ आप FPS गेम प्ले करते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी गेम प्ले करते हैं तो आपके लिए कंट्रोल टाइप माउस भी कोई दिक्कत नहीं देगा, अगर आप FPS गेम प्ले करते हैं तो आप कंट्रोल स्पीड टाइप गेम पैड ले सकते हैं। बाकी आज इसकी जो ज़रूरत है वो हिसाब से ले लेगा माउस पैड। बताइएगा गाइस कैसी लगी अनबॉक्सिंग, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरी कमियों को बताइएगा क्या क्या कमी है इस वीडियो में, और थोड़ा वीडियो को फैला देना, भागी मत करना। ओके बाय।